बैड बॉय, एक वर्ड में अगर इस मूवी का रिव्यू मैं करूँ ना ऑनेस्टली, तो मैं एक ही बात कहूँगा, मिस मत करना। यस दोस्तों, हाँ सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड अगर कोई कैरेक्टर है तो वो जॉनी लीवर का, बट स्टिल यार मिथुन के बेटे। अब देखो भाई, यहाँ पे जो लोग बार बार बोलते हैं ना कि नेपोटिज्म नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, तो फिर भाई वो नियम है ना, वो रूल सबके लिए होना चाहिए। फिर वरुण धवन को आप सुपर हिट दे देते हो कुछ मूवीज़ उसकी, टाइगर को भी कुछ मूवीज़ हिट दे देते हो, तब तो ये सवाल नहीं उठते हैं ना। रणबीर है, ऋतिक है, उन्होंने तो अपने आप को प्रूव भी किया है बाय द वे। टाइगर और वरुण ने, टाइगर ने एटलीस्ट एक्शन में तो प्रूव किया है अपने आप को। तो भाई अब ये मत बोलना ये नेपोटिज्म है, मैं कर रहा हूँ सपोर्ट मिथुन के बेटे को, तो नहीं भाई ऐसा नहीं है। अब देखो भाई, वो कहते हैं ना कि डबल स्टैंडर्ड नहीं चाहिए आदमी ने, करना है तो भाई पूरे नेपोटिज्म वालों को ही करो सपोर्ट। और मैं तो भाई अनन्या पांडे और अर्जुन कपूर को भी कर लूँ फिर सपोर्ट, अगर वो अच्छा कभी काम करे तो। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि भाई एक्टर का बेटा एक्टर बन गया तो कोई गुनाह है, करेक्ट है? इंजीनियर का इंजीनियर ही बनता है मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा। तो चलो मान के चलो किसी की कंपनी है, आपके पापा की वगैरह कंपनी, आप बाद में तुम ही बनने वाले हो उसके सीईओ, तो तब कोई लोग सवाल नहीं उठाएंगे ना कि कंपनी वाले का बेटा कंपनी वाले ही, बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन ही है, तो एक्टर का है भाई एक्टर। अब मैं अर्जुन की भी साइड लेता हूँ, ऐसा नहीं है भाई लेते वक्त, बट प्रॉब्लम कहाँ पे है वो करण जोहर टाइप के लोगों से कि वो सिर्फ नेपोटिज्म वालों को चांस देते हैं। पर ऑन अदर हैंड मेरा ये भी कहना है यार, पैसा उसका है, मर्ज़ी उसकी, पर उसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि नेपोटिज्म वालों को बैक करना, तेरा पैसा है तू कर, ये आदमी कैसा है कि ये क्या करता है, बाकी जो अपने दम पे बने ना उनका ये अवार्ड शो में वगैरह मजाक उड़ाता है, ये अगर ये बंदा छोड़ देना नीच हरकत, तो भाई फिर कोई इशू नहीं है। नेपोटिज्म भी अच्छा है तो करो, अच्छा काम होगा तो कोई क्या बात है। अब देखो भाई, यहाँ पे मैं अगर बात करूँ ना इस मूवी की, देखो एक हल्की फुल्की मस्त कॉमेडी है, एक लव स्टोरी भी उन्होंने दिखाई है स्वीट सी, और देखो स्टोरी वाइज ऐसा कुछ ज़्यादा स्पेशल है नहीं, ये लड़का कुछ ज़्यादा मतलब टाइम पास ही ज़्यादा करते रहता है, लड़की बहुत स्कॉलर दिखाई है। अब लड़की के पापा को तो ये पसंद भी नहीं है ये लड़का कि अपने बेटी के लिए, तो ये कैसे पटाना वगैरह, मतलब एक सिंपल सी एक स्वीट सी यार स्टोरी है रे, नॉट ओनली लव स्टोरी, ये कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए एक मज़ा आने वाला है, उस टाइप का फील है, एकदम मज़ा आएगा। ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ जाओ ही मत ना, अगर आपको सिंपल सस्ता सा टिकट मिलता है भाई, किसी का भाई किसी की जान से तो 1000 गुना बेटर है भाई। नहीं मतलब अब आपको कौन सी भाषा में मैं बोलते हैं ना, कन्विंस कैसे करूँ कि आप मूवी देखो भाई, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि आपको कुछ कन्विंस की बात की ज़रूरत भी। आई मीन यार, मैंने सच में नहीं एक्सपेक्ट किया था, मुझे बहुत से लोग बोले थे बैड बॉय का ट्रेलर करो रिव्यू, भाई मैंने ट्रेलर देखा ही नहीं था, मैं सोचा भाई मूवी देख के ही बात करेंगे इस बारे में, क्योंकि मैं खुद ही कन्फ्यूज़ था कि भाई नेपोटिज़म ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। मूवी देखने के बाद मुझे लगा हाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, मे भी थोड़ा सा काम में, ये मैं कह सकता हूँ डायलॉग डिलीवरीज में, बट चल जाता है यार जब कॉमेडी मूवी में आप डेब्यू कर देते हो ना। देखो कॉमिक टाइमिंग मुझे अच्छे लगे यार, मज़ा आ गया। और जो सपोर्टिंग कास्ट ना भाई, राजेश शर्मा जी नाम है ना, राजेश शर्मा या जो भी नाम है उनका, यार ब्रिलियंट है भाई वो। जब आपके पास वो बाजू की जो स्टार कास्ट रहती है ना साइड रोल वगैरह, वो अच्छी होगी ना भाई, आपको कोई गिरा नहीं सकता है, वही हुआ इस मूवी के साथ। और म्यूज़िक हिमेश रेशमिया का मस्त है सच में, और कुछ सॉन्ग्स सच में यार मज़ा आता है यार। ये मूवी देखो यार, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, आप देखिए बाद में खुद बताइए मुझे कैसी लगी, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको, 5 में से 3 स्टार दूंगा मैं। 3 स्टार इसलिए कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ मत ही देखो, वक्त है तो ज़रूर देखो लेकिन मिस मत करो। आप ये OTT का वेट मत करो रे, आपको थोड़ा सा हल्की फुल्का देखो, बाद में लोग बेवजह बॉलीवुड को ही कोसते रहते कि अच्छी मूवीज़ नहीं बनाती, ये ठीक मूवी है रे, मज़ा एक आता है आपको, तो देखो बाद में बताइए कैसी थी। थैंक यू।